श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें जो उपदेश बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को बताए थे। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए न कोई कम प्रिय है न ही ज़्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। फल की अभिलाषा छोड़कर धर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। नरक के तीन द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी दुख सुख आता जाता रहता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जब जब इस धरती पर पाप अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। हे अर्जुन, मैं भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता है। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। वो व्यक्ति
जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं वो मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग जल वायु पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। हे अर्जुन, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का, जीव और सन्यासियों का आत्मसंयम मैं ही हूँ। मन की गतिविधियों, होश श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना भी समान है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वो सात्विक माना जाता है। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में न उसे फल मिलता है न ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। जो पुरुष न तो कर्म फल की इच्छा करता है और न कर्म फलों से घृणा करता है वो सन्यासी जाना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चित है
और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल और जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आवेर्य भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा पुरुष का मन ही निर्मित करता है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाशों में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। जो लोग व्यक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं।